सुप्रभात दोस्तों, आज का हमारा विषय है सामाजिक अनुव्यवहार के निर्धारक, अर्थात वो कारक या निर्धारक जो व्यक्ति के अंदर सामाजिक अनुव्यवहार को शुरुआत करते हैं या उसको इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले हम इस सामाजिक अनुव्यवहार को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। लेट अस सी, सामाजिक उन्मुख और सहकारी व्यवहार, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, मानव के विकास का आधार होता है। यानी जो मानव का इवोल्यूशन हुआ है, जो विकास हुआ है, उसका मुख्य जो आधार है हमारा कोऑपरेटिव बिहेवियर और हमारी सामाजिक उन्मुखता। सामाजिक उन्मुखार यह सुनिश्चित करता है कि मानव जीन के माध्यम से मानव वंश आगे बढ़े ताकि मानव जाति जीवित रहे। कई बार ये प्रश्न आता है कि व्यक्ति क्यों प्रोसोशल बिहेवियर या सामाजिक उन्मुख व्यवहार करता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो मानव वंश है जीन के माध्यम से प्रोपोगेट होता रहे, मानव वंश बचा रहे, इसीलिए व्यक्ति सामाजिक उन्मुख व्यवहार और कोऑपरेटिव बिहेवियर करता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया था, यह सामाजिक उन्मुख व्यवहार इंसानों में जन्म से ही पाया जाता है। दिस इज इनबोर्न ट्रेट, यानी कि व्यक्ति जो है जन्म से ही सामाजिक उन्मुखता की ओर ओरिएंटेड होते हैं। अब इनके निर्धारकों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक निर्धारक, ये कितने प्रकार के कौन कौन से निर्धारक हैं जो सामाजिक उन्मुख व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दूसरा देखेंगे व्यक्तिगत निर्धारक। तीसरे जो चर्चा होगी वो सांस्कृतिक निर्धारक। फिर हम चर्चा करेंगे परिस्थितिपरक निर्धारक एवं फिर हम चर्चा करेंगे अंत में सोशल मीडिया, यानी ये कुछ निर्धारक रहे। चलिए हम चर्चा शुरुआत करते हैं, डिस्कशन शुरुआत करते हैं सामाजिक निर्धारकों से। वॉकर 1969 में बताते हैं कि कोई भी विज्ञान एक सामाजिक उपक्रम होता है। कोई भी आप फिजिकल साइंस हो या सोशल साइंस हो, वो एक सामाजिक उपक्रम है। सामाजिक उपक्रम या सोशल एंटरप्राइज का अर्थ यह है किसी भी विज्ञान की महत्ता, उसकी कैपेसिटी या उसके इम्पोर्टेंस तभी है जब उसकी बनाई गई चीज़ें, उसके बनाए गए उत्पादों को समाज द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। तभी उस विज्ञान की महत्ता है, तभी उसकी इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज नहीं है। आप देखते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो, मैथ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इस तरह के जो विषय कोई भी विज्ञान है उसकी इम्पोर्टेंस तभी है जब उसके सिद्धांत, उसकी थ्योरीज, उसके कानून, उसके लॉज जो हैं और उसके बनाए गए उत्पाद जब मानव समाज द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और उनको अंगीकृत कर लिया जाता है। इसी बात को आधार लेकर वाकर ने बात कही है कि प्रत्येक विज्ञान एक सामाजिक उपक्रम होता है। अब चलिए हम एक निर्धारक की बात करते हैं, सामाजिक निर्धारक। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक पर्यावरण, वो क्या होता है। जो आपके आसपास का भौतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं वो एक सामाजिक पर्यावरण है। सामाजिक प्रबलन यानी कि रीइन्फोर्समेंट, बाहरी घटनाएँ जो व्यक्ति के अंदर होती हैं कुछ घटनाएँ और कुछ बाहर होती हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं के माध्यम से व्यवहार पर नियमन, उन पर कंट्रोल, जैसे पीठ थपथपाना, कोई कुछ किसी को मुस्कुरा देना, सच्ची प्रशंसा करना, जुनून, स्वीकृति और ध्यान से सुनना इत्यादि कुछ सामाजिक प्रबलन होते हैं जो भी आपके सामाजिक अनुभव को निर्धारित करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक जिम्मेदारी। अगर व्यक्ति ये समझता है कि मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है और मुझे काम करना चाहिए, तो भी एक निर्धारक है किस प्रकार से ये सामाजिक उन्मुख व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी होती क्या है, ये समाज के कल्याण और लाभ के लिए कार्य करने का एक जो दायित्व होता है उसे हम सामाजिक जिम्मेदारी कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें सामाजिक न्याय, समाज के साथ निष्पक्ष और न्याय संगत संबंध। अगर समाज के अंदर इस प्रकार से निष्पक्ष और न्याय संगत संबंध पाए जाते हैं व्यक्तियों में, तो आप देखेंगे तो वहाँ पर सामाजिक उन्मुखता भी सामाजिक ज़्यादा पाई जाती है। यानी धन का वितरण अगर समान हो, समान अवसर लोगों को मिले और पूर्ण रूप से निष्पक्षता होती है, तो वहाँ पर सामाजिक उन्मुखता ज़्यादा पाई जाती है। अगला देखें कि सामाजिक मानक, यानी कि वो अलिखित नियम जो व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, ये भी सामाजिक उन्मुख व्यवहार को निर्धारित करते हैं। पारस्परिकता, आपसी लेन देन, मैंने अगर किसी के लिए कोई काम किया तो वो भी मेरे लिए करेगा, या किसी ने मेरे लिए किया तो मैं भी उसके लिए करूँगा, इसको हम सामाजिक पारस्परिकता कहते हैं। यानी कि यही है, ये भी एक तरह से महत्वपूर्ण निर्धारक है। सामाजिक विनिमय, होम्स 1961 में ये बताते हैं कि यह है कम से कम दो व्यक्तियों के बीच मूर्त या अमूर्त,
टेंजिबल या इंटेंजिबल, कमोबेश पुरस्कृत आदि के आदान प्रदान की गतिविधि होती है। यानी कुछ चीज़ें जो हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं उसे उन्होंने सामाजिक विनिमय कहा है। अब आप बात करते हैं ग्रीव की, 2009 में बताते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में रिसर्च की, वो बताते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर अगर अकेलेपन पे बात करने सामाजिक अनुभव की बात आती है कि जब व्यक्ति अकेला होता है व्यक्तिगत रूप से निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले जिनका SES सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जिनका लो होता है उनके अंदर सामाजिक उन्मुख व्यवहार ज़्यादा होता है, ज़्यादा पाया गया है। अब ये थे आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत निर्धारक। सबसे पहले देखेंगे तदनुभूति, ये क्या होती है? दूसरों की भावनाओं एवं संवेगों को समझने और महसूस करने की जो क्षमता होती है उसे तदनुभूति कहते हैं। और दोस्तों याद रखो तदनुभूति सामाजिक अनुभव का एक आधार होती है, यानी तदनुभूति सामाजिक अनुभव को एक बेस, एक फंडामेंटल यानी कि आधार प्रोवाइड करती है जिस पर सामाजिक अनुभव खड़ा होता है। आप देखेंगे नेक्स्ट नैतिक तर्क यानी मॉरल रीजनिंग, मानवीय सोच का एक प्रकार का स्वरूप। मानव की सोच कई प्रकार की होती है, उसका एक स्वरूप, एक प्रकार का वो स्वरूप जो ये निर्धारित करता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। आप देखते हैं भाव दशा यानी कि मूड, भावनाओं से जुड़ी एक सामान्यकृत मनोवैज्ञानिक स्थिति। अगर मूड है आपका तो आप सोशल प्रोसोशल बिहेवियर करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये होती क्या है, एक भावनाओं आपके अंदर जो भावनाएं उमड़ती हैं उनसे जुड़ी एक जनरलाइज्ड साइकोलॉजिकल स्टेट होती है यानी कि सामान्यकृत मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसे हम आम भाषा में मूड कहते हैं या भाव दशा कहते हैं। अगला देखेंगे भावनाएं, फीलिंग्स, एक आंतरिक इंटरनल होती है, व्यक्ति परक एक इंडिविजुअल की सब्जेक्टिव होती है, प्रभावशाली इट इज वेरी इफेक्टिव, उत्तेजित हाईली अराउज्ड। आप समझ रहे मीनिंग ना, एक इंटरनल, सब्जेक्टिव, इफेक्टिव और अराउजल, एक मनस्थिति साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जो किसी उद्दीपक के फलस्वरूप होती है। कोई ना कोई स्टिमुलस होगा, चाहे आंतरिक स्टिमुलस हो चाहे बाहरी स्टिमुलस हो, उसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर एक स्थिति उत्पन्न होती है और जिसे हम भावना कहते हैं। और खास बात इसकी होती है इस भावना को, इस दशा को जो अनुभव किया जाता है, व्यक्ति चेतन रूप से रहता है तब इसका अनुभव करता है। अगला देखते हैं लिंग यानी जेंडर, ये विशेष, ये होता क्या है, विशेष जैविक यौन से संबंधित विशेषताओं का एक समुच्चय, एक सेट होता है, एक जैविक जो हमारा यौन होता है, हम लड़के हैं कि लड़की हैं, हमारा कुछ एक व्यवहार होता है उसमें कुछ एक सेट होता है कि ये अगर गुण है, ये बायोलॉजिकल गुण व्यक्ति में है तो उसको हम लड़की या महिला कहेंगे और ये गुण है तो लड़का या पुरुष कहेंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। आप देखते हैं आगे शारीरिक आकर्षकता, ये व्यक्तिगत विशेषताओं में आता है, व्यक्ति निर्धारकों में आता है कि अगर विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताएँ, ये होती क्या है, आपकी कुछ विशेषताएं होती है शरीर की जो बाहर से दिखने वाली आवश्यकताएं विशेषताएं होती हैं जो अनायास ही किसी और व्यक्ति का और व्यक्तियों का आपकी तरफ ध्यान आकर्षित कर लेती हैं, इसी को हम शारीरिक आकर्षकता कहते हैं। और जो शारीरिक रूप से लोग आकर्षक होते हैं लोग उनके लिए ज़्यादा PS भी करते हैं यानी सामाजिक उन्मुखता जो व्यवहार है उनकी मदद जो है जल्दी और ज़्यादा लोग करते हैं, ये रिसर्च में पाया गया है। आगे देखते हैं आंतरिक खुशी और संतुष्टि, ये क्या चीज़ है, संतुष्टि और प्रफुल्लता, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट होती है और इलेशन होता है, जोय, आनंदमय होती है एक स्थिति जो कि वो भी एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, ये भी डिसाइड करती है कि व्यक्ति PSB करेगा या नहीं करेगा। अब हम आगे देखते हैं सांस्कृतिक निर्धारक, ये देखा गया है, ये पाया गया है कि अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं सारी की सारी सामाजिक उन्मुख व्यवहार होती हैं, उन्मुख व्यवहार करती हैं और अपने लोगों को सिखाती हैं कि सारी सामाजिक उन्मुख होती हैं। वो कारण क्या है इसका, क्योंकि हर संस्कृति हर समाज ये चाहता है कि मानवंश आगे बढ़े और ये इनबॉर्न ट्रेट होता है, इसलिए सारे की सारी संस्कृतियां सामाजिक उन्मुख होती हैं। आगे हम देखेंगे पहला इसका जो निर्धारक है सांस्कृतिक मानक और प्रवृत्तियां, ये कुछ इसमें कौन कौन से होते हैं, अविभाज्य और सामूहिक, इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक, अविभाज्य होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक, सामूहिक जो होते हैं कलेक्टिविस्टिक। इनको आम भाषा में अगर समझे सामाजिकरण की वो प्रथाएं, ये प्रथाएं होती हैं जो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और प्रबलन द्वारा सदस्यों के सांस्कृतिक व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, यानी व्यक्ति इंडिविजुअलिस्टिक व्यवहार करेगा या कलेक्टिविस्टिक व्यवहार करेगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादातर अविभाज्य यानी इंडिविजुअलिस्टिक पाए जाते हैं और जो हमारे देश के ईस्टर्न कल्चर्स हैं, भारतीय जो संस्कृति है मुख्य रूप से सामूहिक होती है, ये भी एक सामाजिक उन्मुखार का महत्वपूर्ण निर्धारक होता है लेकिन सांस्कृतिक निर्धारक होता है।
आगे देखेंगे हम सांस्कृतिक मूल्य, ये क्या चीज होते हैं। किसी विचार या व्यवहार को, इसमें दो बातें हैं, विचार या व्यवहार को सही या गलत, अच्छा या बुरा, न्याय संगत और निष्पक्ष ठहराने के लिए जो मानदंड बनते हैं, जो नियम बनते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं को हम सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। कि हम उन मूल्यों के आधार पर ही बता पाते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर भारत देश में अगर कोई व्यक्ति स्कर्ट पहनता है तो उसको सांस्कृतिक मूल्य के आधार पर उसको कहते हैं कि सही नहीं है। लेकिन वही अगर आयरलैंड में जाते हैं हम, तो आयरलैंड के जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो स्कर्ट पहनते हैं और उनकी ये सांस्कृतिक मूल्य है, उनकी वो नेशनल ड्रेस है, उनके लिए वो सही है। ये एग्जाम्पल था। पर अगर हम इसमें देखते हैं, जो परिवार जिनमें सामाजिक उन्मुखता अधिक होती है, उन परिवारों के बच्चों के अंदर भी सामाजिक उन्मुखता ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम सांस्कृतिक आयाम यानी सोशल डायमेंशंस या कुछ सीमाएं बात करते हैं। सामाजिक या समाज द्वारा तैयार की गई अघोषित एवं अलिखित सीमाएं एक समाज एक तैयार कर लेता है, ना कहीं वो लिखित होती हैं, ना कहीं उनकी घोषणा होती है, लेकिन सीमाएं होती हैं, ना कहीं वो दिखाई देती हैं, जिनके भीतर रहकर ही व्यक्तियों से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। डॉक्टर होपस्टेड 1970 में उन्होंने बताया कि संस्कृति के मुख्य रूप से 6 आयाम होते हैं, जैसे व्यक्तिवाद बनाम समूहवाद, इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविस्टिक, या पुरुषत्व बनाम स्त्रीत्व, यही यानी फेमिनिन या मस्कुलिन। इस टाइप से और भी हैं जो हमारे इस डिस्कशन से बियॉन्ड है, तो हमने यहाँ डिस्कशन नहीं किया, केवल एग्जाम्पल दिया। तो ये भी सांस्कृतिक आयाम भी एक तरह से फैसला करते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार करेगा या नहीं करेगा। सांस्कृतिक अनुकूलन, ये क्या होता है, अपने से अलग संस्कृति में संतोषजनक तरीके से एकीकरण की प्रक्रिया। हम एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो वहाँ पर कितना जल्दी हम अनुकूलन होते हैं, उनके एकीकरण होते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, तो होता है सांस्कृतिक अनुकूलन, और यह भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। आगे देखेंगे हम आवासीय स्थिति, ग्रामीण या शहरी। शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण लोग सहायता प्रदान करने की अधिक संभावना रखते हैं, ऐसा श्रोडर कहते हैं 2015 में। उनके साथियों ने रिसर्च में बताया कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनके बजाय गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा सामाजिक उन्मुखार करते हैं। फिर बात करते हैं हम अगला पॉइंट, धर्म। धार्मिक उन्मुख लोग अधिक धर्मार्थ और स्वयंसेवी गतिविधियों से जुड़े होते हैं, भले ही उनकी आय कितनी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और उनकी राजनीतिक सोच भी कैसी हो, कैसा उनका झुकाव हो, लेकिन वो लोग जो है अधिक धर्मार्थ या मदद के कार्य में जुड़े रहते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है कि व्यक्ति पीएसबी करेगा या ना करेगा, ये डिसाइड किया है, बताया है मोनसमा 2007 ने। अब हम अगला जो हम बात करेंगे, परिस्थिति परक यानी सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स, वो निर्धारक होते हैं। निर्भर व्यक्ति की निर्भरता का स्तर, जिस व्यक्ति की आप मदद करना चाहते हैं वो कितनी मदद चाहता है, उसकी स्तर कितना है, कितना निर्भर है। अगर ज़्यादा निर्भर है तो ये भी एक परिस्थिति परक व्यवहार होता है, परिस्थिति परक निर्धारक होता है जो सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। रक्त संबंध, इसमें 3 कैटेगरी के लोग लिए गए हैं जिसको हम किनशिप कहते हैं। रक्त से संबंध, खून का रिश्ता, किसी के साथ आपकी शादी, या अगर किसी ने आपको गोद ले लिया, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी एक तरह से महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं आपकी परिस्थिति क्या है। एग्जाम्पल देखें आप, अगर 2 व्यक्ति हैं, दोनों को मदद की आवश्यकता है, एक व्यक्ति का आपका ब्लड रिलेशन है, एक व्यक्ति का ब्लड रिलेशन नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति जो है जिसके साथ ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, उसकी मदद पहले करेगा। और यही बात है परिस्थिति परक निर्धारक। परिस्थिति प्रेरक यानी सिचुएशनल मोटिवेटर्स भी कुछ होते हैं। स्थिति क्या होती है, विशिष्ट विशेषताएं, हर स्थिति की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति को सामाजिक अनुव्यवहार के लिए प्रेरित करती हैं। दर्शक प्रभाव, ये जो लिटाने और डार्ले ने जो बताया था, इसे हम जिम्मेदारी प्रसार यानी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। एक ऐसी मानसिक सामाजिक घटना जहां अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में सामाजिक अनुव्यवहार में शामिल होने की संभावना कम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है और उसके आसपास जितने लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, उसको मदद मिलने की संभावना उतनी ही घटती चली जाएगी। हम कॉग्निटिव मॉडल में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अगला हम देखते हैं परिस्थिति का, परिस्थिति परक व्यवहार। सिचुएशन में आप कैसा व्यवहार करते हो, स्थिति के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक अनुव्यवहार को प्रभावित करता है। कोई भी स्थिति है, वहाँ पर आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, वो व्यवहार भी फैसला करता है कि आप सामाजिक अनुव्यवहार करोगे या नहीं करोगे, यानी वो निर्धारित करता है। और परिस्थिति परक संकेत, कुछ ऐसे क्यूज होते हैं, हर सिचुएशन से हमें कुछ सिग्नल मिलते हैं, कुछ संकेत हम देख लेते हैं, कि जैसे समानता, अगर व्यक्ति समान है, आपके जैसा सिमिलर व्यक्ति है, तो आप उसकी
पहले आपकी रेस से शामिल है, आपकी कास्ट का है, भारतीय संदर्भ में अगर बात करते हैं आपके गांव का है तो पहले उसके ज़्यादा सामाजिक व्यवहार या उसकी मदद की जाएगी। आवश्यकता किस व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है ये भी एक निर्धारक है। उपस्थिति यानी कितने लोग उपस्थित हैं, सहायता के लिए आह्वान, व्यक्ति कितनी जोर से मदद के लिए कॉल कर रहा है, मेरी मदद करो मदद करो, एक हथियार कर दो यार मेरी मदद, तो जो व्यक्ति ज़्यादा इंटेंसिवली अपनी सहायता के लिए आह्वान करता है उसकी मदद पहले की जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक, यानी ये कुछ संकेत होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को निर्धारित होता है। अब देखें सामाजिक मीडिया भी आज के जमाने में जो सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं कि आप PSB करोगे नहीं या सामाजिक व्यवहार करोगे या नहीं, उसका अवलोकन आप उनको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से सामाजिक मीडिया उनके वेबसाइट्स पर, आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर बहुत सारे ऐसे आपके पास संदेश आते हैं, पिक्चर्स आती हैं मीडिया के माध्यम से कि आप किस तरह से उनको देख कर व्यक्ति भी निर्धारित कर बैठता है कि मुझे सामाजिक व्यवहार करना है या नहीं करना है। विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं कि आपका जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से हुआ है, वो भी आपको सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं। सकारात्मक अंतक्रिया आपका और सोशल मीडिया का किस तरह से पॉजिटिव इंटरेक्शन है, अगर सोशल मीडिया को पॉजिटिव लेते हैं, समाज के साथ आपका इंटरेक्शन पॉजिटिव है, तो आपका सामाजिक व्यवहार करने की संभावना ज़्यादा होती है। सेल्फ कंट्रोल, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। रूढ़िवादिता का विरोध, कितने लोग रूढ़िवादिता यानी जैसे भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो कास्टिज्म का कितने लोग विरोध करते हैं, और अगर वो ज़्यादा लोग विरोध करने वाले हैं और जो व्यक्ति ज़्यादा रूढ़िवादिता विरोध करता है तो ये पाया गया है कि वैसे व्यक्ति में PSB की संभावना भी ज़्यादा व्यक्ति है। और पर्यावरण जागरूकता कितनी है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो निर्धारित करता है कि व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करेगा या नहीं करेगा। डियर फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ा कि डिटर्मिनेंट्स, सोशल डिटर्मिनेंट्स, पर्सनल डिटर्मिनेंट्स यानी कि सामाजिक निर्धारक, व्यक्तिगत निर्धारक, सांस्कृतिक और सिचुएशनल यानी परिस्थितिपरक, और अंत में हमने सोशल मीडिया, ये सारे रेफरेंसेज हैं कहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, आप इनको देखकर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अगला जो हमारा व्याख्यान होगा सामाजिक व्यवहार का संज्ञानात्मक मॉडल होगा, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर मिलेंगे। अगर किसी को डाउट, कोई क्रिटिकल कमेंट्स हो तो मैं अपने ओपन हृदय के साथ उनका स्वीकार करूंगा, और ये मेरी ईमेल है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।